जय भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। खबर गुमानी से। अत्यधिक वर्षा होने के कारण गुमानी नदी के जलस्तर बढ़ने लगा है। लगातार अत्यधिक वर्षा होने के कारण बढ़रवा प्रखंड के कई गांवों के लोग फिर से बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। जिले के गुमानी नदी किनारे अवस्थित विभिन्न प्रभावित गाँव पुरुलिया डांगा, नक्सीमल, चांदपुर, जमालपुर, अंधारकोठा, हरियारा, चाकपाड़ा, महेश घाटी, दरियापुर, कांगजोल, बिंदुपाड़ा, अबरा टोला सहित दर्जनों गांव में गुमानी नदी का पानी अति प्रवाह होने से सैलाब आ गया है। घरों में बाढ़ के पानी घुसने से लोगों में अफरा थपरी मच गया है। कागजोल विद्यालय में भी पानी घुस आया है। सैकड़ों एकड़ धान की फसल बर्बाद होने की आशंका जताई जा रही है। मवेशियों के लिए चारा की समस्या उत्पन्न हो गई है। दुकान में पानी भर जाने से लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। क्या कहते आजसू के प्रखंड उपाध्यक्ष सरफराज अहमद, आइए सुनते हैं। लगातार दो तीन दिन से बारिश होने के कारण नदी उफान पर है और बाढ़ हो गया है। इस क्षेत्र का हाल बहुत बुरा है। हजारों एकड़ जमीन धान का फसल बर्बाद हो गया है और अभी तक सरकार की तरफ से कोई मुआवजा तो राहत सामग्री नहीं पहुँचा है। और हमारे ग्रामीण विकास मंत्री, छोटा सा एक नाला है, इसके कारण इतना बड़ा हजारों एकड़ धान का फसल बर्बाद हो गया है कि उस तीन चार साल से लगातार उस कटान को बांधने के प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ झूठा आश्वासन देके यहाँ का किसान को गुमराह कर रहे हैं। ये मंत्री जी झूठा आश्वासन और NRC के दम पे वोट ले रहे हैं, लेकिन किसान के हित में कोई काम नहीं हो रहा है। किसान का यहाँ अभी लगातार हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो चुके हैं। अभी तक यहाँ पर कोई ना मंत्री जी का कोई कार्यकर्ता या तो शासन प्रशासन नहीं पहुँचा हुआ है। हमारे आजसू का टीम अभी हर हजारों क्षेत्र में निकले हुए हैं। चारों तरफ से हम लोग आजसू पार्टी से जितना भी राहत का सामग्री हो या तो कोई माने संसाधन के लिए हम लोग जनता के से मिल रहे हैं। सवेरे से हम लोग हमारे टीम निकला हुआ है क्षेत्र में और झूठा आश्वासन देके इस तरह करके वोट लेके वोट की राजनीति करने वाले ग्रामीण विकास मंत्री ये छोटा सा नाला को बांधने में बेफल रहा। अभी तक इस छोटा सा नाला को बांध नहीं सकता। बाढ़ खत्म हो जाने के बाद मंत्री जी आते हैं और झूठा आश्वासन देके ग्रामीण को बोल के, किसान को बोल के कि ठीक है मुआवजा दिला देंगे। इसका पहले भी कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को आए थे, रास्ता का भ्रमण करके चले गए कि हम मुआवजा दिलाएंगे। अभी तक एक रुपया का मुआवजा नहीं दिला पाए हैं, कि उसका कार्यकाल 19 साल का रहा है, अभी भी एक भी किसान को एक रुपया का मुआवजा नहीं दिला पाए हैं।